स्वागत है आपका। जानते हैं हम यही बात कि आपको रहता है हमारे शो बॉलीवुड अब तक का इंतजार। जी हाँ, तो बिना देर किए हुए आज हमारे बीच एक बफर से लेकर आए हैं हम आप सभी की फेवरेट शो बॉलीवुड अब तक को, जिसमें हमेशा हम करते हैं बात अब तक की बॉलीवुड की खबरों के बारे में। लेकिन आज बिगेस्ट न्यूज लाए हैं हम कि लगातार वायरल हो रही है यही खबर कि इस बार धूम की अगले सिक्वल यानी कि धूम 4 में क्या वाकई में सलमान खान होंगे। भाई अब इसे लेकर तो आ गई है खबर कि सलमान होंगे धूम के अगले सिक्वल यानी कि धूम 4 में। लेकिन जिस फिल्म में ऐश्वर्या रही, जिस फिल्म में अभिषेक बच्चन रहे, उस फिल्म में अगर सलमान की होती है एंट्री तो भाई अभिषेक बच्चन का तो पत्ता है साफ। जी हाँ, सलमान ने कर दिया है अभिषेक बच्चन का पत्ता साफ, कर दिया है उनका रास्ता बिल्कुल अलग फिल्म धूम 4 से। क्योंकि धूम 4 में अभिषेक और सलमान खान एक दूसरे के साथ करेंगे काम। भाई ऐसा तो आज तक नहीं हुआ और शायद अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जो रिफ्ट इनके बीच है उसकी वजह है बॉलीवुड की क्वीन मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या, जिनके साथ रिलेशन है सलमान का पास्ट लव लाइफ का, तो प्रेजेंट है ऐश्वर्या के अभिषेक। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ऐश्वर्या भी बन गई है वजह अभिषेक बच्चन की धूम 4 से आउट यानी कि एग्जिट होने की। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड अब तक में इस बारे में जो लेटेस्ट खबर आई है, तो वहीं इसके अलावा क्या चल रहा है बीच और में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति बिना देर किए हुए ले चलूंगी आपको लेटेस्ट खबरों की तरफ। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फिल्मों की बात हो रही है तो आपको ये भी बेहद दिलचस्प खबर हम जरूर देना चाहेंगे कि बॉलीवुड में छाया हुआ है जादू बॉलीवुड स्टार्स के बीच फिल्मी सितारों को लेकर। जहां एक तरफ सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का टीजर सामने आ गया, जहां एक तरफ सलमान खान कैटरीना कैफ के इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए थे लास्ट ईयर 0, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान और कैटरीना की जोड़ी एक बार फिर धमाल कर रही है। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये बेहद ही दिलचस्प किस्सा है आप सभी के फेवरेट सितारों के बीच, आप सभी से जुड़े खास सदस्यों के बीच। आजकल जो चर्चा चल रही है फिल्मों को लेकर, जहां मणिकर्णिका रिलीज हुई, ठाकरे फिल्म रिलीज हुई, दोनों ही फिल्मों को फैंस की जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इस बार सलमान खान के अलावा बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, सुनील शेट्टी, सभी के सभी भिड़ने वाले हैं एक साथ अपनी अपनी फिल्मों को लेकर। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि स्टार्स किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है, सबसे मजे की बात तो ये है कि इस बार सलमान खान ने अभिषेक बच्चन की करियर को डुबोने का फैसला ले ही लिया है। जिस तरह धूम 4 को लेकर कंफर्मेशन मिल रही है कुछ खबरों के माध्यम से कि सलमान ही होंगे इस फिल्म में, वहीं दूसरी ही तरफ ये भी खबरें आ गई हैं कि भारत फिल्म के जरिए सुपर डुपर हिट फिल्म में एक बार फिर से अपना नाम टॉप पर रखने के लिए सलमान खान ने तैयारी कर ली है। लेकिन अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में अपने करियर को ऊपर उठाने का मौका सलमान नहीं देने वाले। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से दुश्मनी सलमान खान की बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन के हस्बैंड अभिषेक बच्चन की डूबते करियर को बचाने से सलमान खान नहीं आगे बढ़ पाएंगे, सलमान खान नहीं उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे, बल्कि उन्हें और भी पीछे की ओर धक्का देते नजर आएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड अब तक में हम बात करते हैं स्टार्स की। पहले आपने सुना सलमान खान किस तरह अभिषेक बच्चन को झटका दे चुके हैं, किस तरह से वो अपनी फिल्मी करियर की लुटिया डुबोने के लिए तैयार है, तो वहीं आगे आप सुनिए फिल्म मणिकर्णिका को लेकर हाल ही में जो रिस्पॉन्स फैंस का आया है फिल्म के सामने आने के बाद, फिल्म के रिलीज होने के बाद किस तरह से रिएक्शन सामने आया है फिल्म को लेकर, आइए हम आपको सुनाते हैं। नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छी पिक्चर है और बहुत अच्छी लग रही है, यू नो। और मैं अभी विदेश से पहुंचा कल रात को ही, मुझे लगा ये पहली पिक्चर देखता हूँ, और मैं मुझे लगता है पब्लिक को उम्मीद जैसे उसको पूरी करेंगे, और कंगना बहुत अच्छा लग रही पिक्चर में, एंड आई थिंक सो इट ये साल एक्चुअली बहुत अच्छा है। उरी जैसा मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, मैं पिक्चर लंदन में देखा था, एंड आई थिंक सो ये साल इतना अच्छा हम लोग का चालू है, दिस विल ब्रेक ऑल गुड रिकॉर्ड्स।
किसी क्रिएटिव आदमी ना हर फील्ड में अच्छा होता है, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, वो कब कौन सी बड़ी कितनी हो जाए किसी को नहीं पता, बट डेफिनेटली शी इज डन अ गुड जॉब। ओके, इसके अलावा आपके प्रोडक्शन से भी प्लीज मेक मी करके अपने पास बहुत सारा वर्क है, वो सो कमिंग विद राइफल मैम। देखिए क्या आज इतनी बड़ी पिक्चर की बात हो रही है, दूसरी पिक्चर का बात करना अच्छा नहीं, इस पूरा संदेश इसको जाना चाहिए और रसगुल्ले खाने चाहिए। थैंक यू सो मच बाबा। I am expecting fireworks because it's Kangna, it's Zee Studio, it's a big combination and it's Jhansi Ki Rani, she is my favorite. Bahut kam logo pata hoga that I started as a theater director. I'm from National School of Drama and I had done a play called Jhansi, you know, on the Jhansi Ki Rani. So I'm really looking forward to this adaptation and this narrative of Queen Jhansi. Very excited. Kangna, we know as an actress and she's fantastic actress. आई मीन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो व्यक्ति जो अपने कहानी को नैरेट कर सकता है वो डायरेक्ट कर सकता है, एंड आई थिंक कंगना इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड आई नो दैट शी हैज़ एन इंटरेस्ट इन स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड शी इज़ यू नो वेरी मच इनटू फिल्म मेकिंग। मुझे उनसे बात करके भी एक बार हुई थी हमारी बात फ़ोन पे एंड आई अंडरस्टूड दैट, सो आई थिंक आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हर, आई थिंक शी विल बी गुड एंड द फैक्ट दैट शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर एंड वॉट एन अमेजिंग एक्टर, तो उससे मदद ही मिलेगी उनको शेप अप करने में अपना कैरेक्टर जो उन्होंने सोचा होगा एज अ डायरेक्टर। सो आई मीन गुड लक टू हर एंड आई होप दैट शी गेट्स मोर पावर आफ्टर दिस फिल्म। नो द ज़ोया फैक्टर सब लोग जानते हैं, इट्स कमिंग इन अप्रैल एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इट्स अ डिफरेंट जॉनर फॉर मी। वक्त के साथ ऑफकोर्स हम लोग और इन्फॉर्मेशन देंगे, बट आई एम रियली एक्साइटेड। जैसे परमाणु मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, वैसे द ज़ोया फैक्टर एकदम ही अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए एंड इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद फॉक्स एड लैब्स एंड सोनम। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रिलीज, वी आर वर्किंग हार्ड ऑन इट एंड होपफुली पीपल विल लव इट। ओके द लास्ट वन, यू नो देयर आर सो मेनी एक्टिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन मुंबई, बट देयर इज हार्डली एनी इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन लर्न प्रोडक्शन, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यू नो इन अ वेरी स्ट्रेंज वे मैंने विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी काम किया है एज इंटर्न्स जो आते हैं, एंड मैंने देखा है कि विस्लिंग वुड्स के जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव बीन वेरी गुड विद प्रोडक्शन। मैंने बाकी तो डिपार्टमेंट्स में नहीं काम किया लेकिन प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। एड लैब्स जो हमारी कंपनी है जिसने ज़ोया फैक्टर भी प्रोड्यूस किया और तेरे बिन लादेन भी पहले, सो हम लोगों ने हर बार विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स को लिया एज इंटर्न्स एंड यू नो एज इन हाउस स्टाफ, एंड हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो मैं वहाँ आपसे थोड़ा डिसएग्री करूँगा, मुझे लगता है विस्लिंग वुड्स इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन गेटिंग दीज पीपल रेडी। आई थिंक वी नीड मोर सच इंस्टीट्यूशंस बिकॉज प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरत है हिंदी सिनेमा में कि और लोग आएँ। मे बी, बट प्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और खासतौर से अब जब कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा बन रहा है तो एक सर्टन बजट में आपको बनानी है फिल्म विथ प्रोडक्शन वैल्यूज, तो आई थिंक आपका ये कहना सही है दैट वी नीड टू इन्वेस्ट मोर। लाइक अभी हम लोगों ने थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया राइटर्स में, बींग अ राइटर माई सेल्फ आई थिंक आई एम सींग अ गुड ग्रोथ इन दैट डिपार्टमेंट। सिमिलरली आई थिंक प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करना चाहिए एंड स्टूडियोज लाइक जी आई थिंक कैन डू अ ग्रेट जॉब विद दैट। अभी जी अपना इन हाउस प्रोडक्शन भी शुरू कर रहा है तो आई एम वेरी श्योर दैट यू नो इट विल बी अ ग्रेट एंड यू नो दे विल डू सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव टू हेल्प दिस। And I think apart from institutions like Whistling Woods, which you are right, sometimes people maybe they can't afford it, in-house internship is very important. In studios like Zee and you know Fox and all these big studios and companies, we should promote young talent and we should promote a culture of learning production in-house. Well, तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं मणिकर्णिका तो चैलेंज अब सलमान खान के लिए भी बन गई है, क्योंकि जिस तरह रिस्पॉन्स शानदार आया है तो वही ठाकरे फिल्म ने भी जबरदस्त तरीके से नवाजुद्दीन ने सारी तारीफें ली थी। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या है इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स। देखिए ठाकरे मूवी मैंने देखी, ठाकरे मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। 5/5 मैं देना चाहूँगा इसके लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है, वो बायोपिक स्पेशलिस्ट बन गए, बहुत अच्छा लगा उनका जो उन्होंने रोल किया बाला साहब। अमृता राव वो भी बेटर थी, वो भी उन्होंने भी अच्छा माँ साहब का रोल किया, बहुत अच्छा लगा वो। आपको लगता है कि एज एन ह्यूमन बीइंग ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में सक्सेस रहे हैं डायरेक्टर? ऑफ कोर्स ऐसे बायोपिक बनाने चाहिए,
इससे क्या लोगों को मालूम पड़ता है कि लीडर्स कैसे थे कैसे है, वरना हिस्ट्री देखे तो कोई ठाकरे जी के बारे में ज़्यादा कोई पता होता नहीं लोगों को, यूथ को स्पेशली। तो ये बायोपिक बहुत अच्छा मैसेज देगा, बहुत अच्छा है। कितने स्टार देंगे आप? 5/5। नहीं तो अगर वैसे देखा जाए तो कुछ खास मूवी नहीं है, रेटिंग अगर दी जाए तो 2 स्टार से ज़्यादा मैं रेटिंग भी नहीं दूंगा, क्योंकि देखा जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टिंग के नाम से जाने जाते हैं कि हाँ एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? इस लेवल पे नहीं थी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग होनी चाहिए थी, मतलब ऐसा लगा कि वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर काम ही नहीं कर पाए। हाँ, एंड दूसरा स्टोरी प्रेजेंटेशन भी इतनी कुछ खास नहीं थी, मतलब जो बाल ठाकरे जी के हिसाब से होनी चाहिए थी कि सब कुछ दिखाया, मतलब एक कन्फ्यूजन टाइप दिखा दिया कि हाँ बस डॉक्यूमेंट्री टाइप के ये हुआ ये करते करते चले गए। अमृता राव जी का तो जो था कि मतलब करेक्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना उनका था उस हिसाब से उन्होंने बेटर निभाया, कोई इशू नहीं। मानते हैं कि डायरेक्शन सक्सेस हो पाया है नवाजुद्दीन की बायोपिक का, ठाकरे जी की बायोपिक का? इतना नहीं, इस हद तक नहीं, जिस हद तक होना चाहिए था उस हद तक सक्सेस नहीं हो पाया। कितने स्टार देंगे आप? 2 स्टार्स। थैंक यू। पूजा पूजा जल्दी आखिरी फिल्म देखिए। हाँ हाँ, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है। नवाजुद्दीन की एक्टिंग के बारे में क्या? 5/5, नो डाउट अबाउट इट। ओके, अमृता राव बहुत अच्छी कर एक्टिंग की, मीना ठाकरे की जी। एंड आपको लगता है कि डायरेक्टर जो है सक्सेस हो पाए हैं ठाकरे? 100% सक्सेसफुल। उनको जैसा वो स्क्रीन प्ले में जैसा दिखाया गया ना, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया उस चीज़ को। कितने स्टार देंगे आप? 5/5। नसीम भाई, लिया आपने? लगी आपको फिल्म? NFW है, नरेंद्र मोदी फैन क्लब। हाँ बस, उसको ही जानता हूँ, वेरी फैंटास्टिक। हाँ, अच्छी पिक्चर है, मतलब जो नवाजुद्दीन की एक्टिंग है, इज डन अ गुड जॉब ऑफ पाला साहब। आपको लगेगा कि आप ठाकरे सामने आपके बैठा है। हाँ, अच्छी पिक्चर बनाई गई है, मतलब आज के जो यूथ है जिसने बाला साहब ठाकरे को नहीं देखा होगा, दे ऑल वुड लाइक टू नो कि बाला साहब कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनकी लाइफ क्या थी, ये आगे पीछे हर कोई देखेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितना बेस्ट 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 अप टू डेट अप टू द मार्क? हाँ। एंड अमृता राव? नहीं, उसको तो एक साइड हाउस वाइफ दिखाया गया है, मतलब उसका कोई इतना खास डायलॉग रोल नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि डायरेक्टर जो है वो सक्सेस हो पाए ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में? यस, परफेक्टली, उन्होंने अच्छी पिक्चर बनाई है, बहुत मतलब अच्छी बनाई गई है पिक्चर। वेल, ये था बॉलीवुड अब तक, जिसमें हमने बात की बॉलीवुड टाउन की सुपरस्टार्स की लेटेस्ट खबरों की। वक्त हो चला है अब आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, बॉलीवुड अब तक में इतना ही, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड को फिर अगले दिन लेकर हाजिर होंगे। तो इसके लिए आप देखते रहे Next9 न्यूज, और बॉलीवुड की बाकी की हर खबर के साथ बने रहने के लिए, बिना एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।